ये वायलेंस नहीं है भागविया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर और आप देख रहे हैं मसागार। तो जी, किसी का भाई किसी का जान का ट्रेलर फाइनली आज रिलीज हो चुका है। 3 मिनट 25 सेकंड का ये ट्रेलर आपको थोड़े से पुराने वक्तों में ले जाएगा। या आप सोचेंगे कि भाई आपने जो हमने पूरी ज़िंदगी टीवी पे और यूट्यूब पे जो हमने साउथ की मूवीज़ देखी हैं, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, थोड़ा सा उससे रिजेंबल करती है ये फिल्म, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बजट के अंदर। ऑफ कोर्स ये बॉलीवुड मूवी है तो, और सलमान खान की है, तो इसको बजट तो ज़्यादा छो नहीं था। इसके अंदर जो पूजा हेगड़े की शुरू में हमें एक्टिंग देखने को मिली है, वो भी कमाल की देखने को मिली है, और कुछ कॉमेडी सीन्स थे, कुछ हंसी शुरू शुरू में हल्की हल्की आती है, दिल को ऐसी खुशी मिलती है अंदर से। और बाकी के इसके अंदर जो फाइट सीन्स हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसको हम देख के कह सकते हैं कि एक ट्रू फैमिली एंटरटेनिंग और हर तरह की, मतलब कि हर कैटेगरी में फिट होने वाली ये फिल्म है। और एक सीन था इसके अंदर सलमान खान का, ये वाला कुछ, और यार क्या ज़बरदस्त लुक रख रही है, लग रही है सलमान भाई की वर्दी सिक्स पैक्स, और ये जो खून खास सीन है ये कुछ बेहतर लग रहा है। बस उम्मीद है, क्योंकि फराज साहब जी के डायरेक्शन की फिल्म है, यहाँ पर डर तो थोड़ा लगता है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से अभी भी बची हुई हैं। लेकिन भोला मूवी के साथ जैसा हुआ था कि टीजर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उठा दी थी और ट्रेलर ने बिल्कुल गिरा दी थी, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और सलमान खान की जो स्ट्रेटजी है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी बिल्कुल 21 को रिलीज होने है फिल्म, और आज इसका ट्रेलर आ रहा है, यानी कि 10 तारीख को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले इस मूवी का ट्रेलर आया है, ताकि इस मूवी को ज़्यादा ट्रोलिंग ना हो, और 16 तारीख को इसकी एडवांस बुकिंग भी ओपन हो जाएगी। और सलमान भाई को पता था कि इस टाइम इंडिया में क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, और उनको ये भी पता था कि उनकी जो मूवी है वो हिंदी बैंड पर तो ज़बरदस्त देखी जाएगी, लेकिन उन्होंने मूवी के अंदर आराम से जो साउथ का वर्जन है बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा है, ताकि वहाँ की ऑडियंस को भी ये कैप्चर कर सके। अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ की ऑडियंस ये कैप्चर कर सकते हैं या नहीं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि ये फिल्म कमाती कितनी है, क्योंकि सलमान खान की पिछली फिल्म जो लास्ट आई थी अंतिम, बेशक उसमें ज़्यादा रोल नहीं था सलमान खान का, लेकिन वो फिल्म इतना सिर्फ कलेक्शन उस फिल्म ने किया जितना सलमान खान की कोई भी फिल्म सिर्फ 2 दिन के अंदर कर लेती है, उससे ज़्यादा ही कर लेती है, लेकिन इतना अच्छा उस फिल्म का अंतिम का कलेक्शन नहीं था। लेकिन उससे पहले वाली फिल्म आप भारत देख ले, भारत ने एक ही दिन में 42 करोड़ से प्लस का कलेक्शन किया था अपने फर्स्ट डे के ऊपर सिर्फ हिंदी से। अगर ये साउथ में भी चल जाती है तो भाई जान इसको 30 से 40 करोड़ की ओपनिंग से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लगा, इसका ट्रेलर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाफिज़, बाय बाय।